राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,629 हो चुकी है और आज 122 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डूंगरपुर में 48, पाली में 29, नागौर में 16, उदयपुर में 10, कोटा में 5, जयपुर, झुंझुनू और प्रतापगढ़ की अगर बात करें यहाँ पर दो दो पॉजिटिव पाए गए। अजमेर, अलवर, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, सिरोही और टोंक में एक एक कोरोना पॉजिटिव मिले। नागौर में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1625 हो चुकी है। जोधपुर में 1071, उदयपुर में 411, कोटा में 331, अजमेर में 257, भरतपुर में 129, नागौर में 190। राजस्थान में कोरोना से अब तक 139 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में 3219 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। 2864 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और अब फिलहाल प्रदेश में 2271 कोरोना के एक्टिव केस हैं। आंकड़ों की बढ़ोतरी जिस प्रकार से हो रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि रिकवर भी मरीज जल्दी हो रहे हैं। ये थोड़ी राहत की बात, लेकिन सचेत और सतर्क फिर भी रहना है। और इसी खबर पर कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, देखिए लॉकडाउन का चौथा फेज अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में कुछ रियायतें भी दी गई हैं, किस प्रकार से कोटा में इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लॉकडाउन 0.4 लागू हुआ है, कुछ शर्तों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करी और गाइडलाइन के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। अगर आज कोटा शहर की तस्वीरों की बात करें तो साफ तौर पर देखा जाता है लोगों की आवाजाही सामने आई। लगातार जो दुकानदार थे, तो काफी दो महीने से लगातार दुकानें नहीं खुल रही थी, वो दुकानें खुलती हुई नजर आई। पर जिस तरह से गाइडलाइन की पालना के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कहा है, वहां कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर सामने आई। मगर जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 लागू हुआ है, उस तरह से कहीं ना कहीं देखने की बात ये भी होगी कि लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ किस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है और किस तरह से लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किस तरह से इसका निर्वाह करते हैं और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ पाते हैं। जी मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो चुका है, ऐसे में और भी सजग होने की जरूरत यहां पर पड़ जाती है। रियायतें सरकार के द्वारा दी गई हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है इस बात का कि बिल्कुल सजग होना है, क्योंकि चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। बेवजह घर से बाहर हमें नहीं निकलना है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में तेजी से अपने पैर पसार रहा है कोरोना। हर जिले से रोज आंकड़े सामने आ रहे हैं। आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखकर सरकार ने बहुत रियायतें भी दी हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत जरूरी हो जाता है। और अधिक अपडेट के लिए डूंगरपुर से प्रवेश जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, बताएं वहां पर क्या इंतजाम, लॉकडाउन का चौथा दौर चल रहा है और डूंगरपुर से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मैं बता दूं कि प्रदेश का डूंगरपुर जिले में भी कोरोना हॉटस्पॉट बना गया है। जी, मुंबई से बड़े संख्या में प्रवासियों के आने के बाद डूंगरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केस का ग्राफ भी बड़ा ही तेजी से बढ़ रहा है। इधर आज मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में अभी तक 60 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 47 प्रवासियों के कोविड अस्पताल में पॉजिटिव वार्ड के बाहर तैनात पुलिस का भी जवान। हेलो प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार आंकड़े हर जिले से बढ़ते हुए हम सभी को नजर आ रहे हैं, बहुत सजग होकर हर एक कदम रखना है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा। तेजी से राजस्थान में अपने पैर पसार रहा है, लॉकडाउन का चौथा दौर है, सरकार के द्वारा रियायतें कुछ दी गई हैं, लेकिन उसका गलत फायदा किसी को बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि आमजन की सहूलियत और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर ये रियायतें दी गई हैं।
जयपुर में आपको बता दें 1625 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में राजस्थान में 5,629 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी भी लगातार जुटे हुए हैं मरीजों का इलाज करने में, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट थोड़ी ज्यादा है। मरीज हम देख सकते हैं किस प्रकार से रिकवर कर रहे हैं, तो राहत की बात यह है, लेकिन फिर भी सजग रहना है क्योंकि चुनौतियां कम बिल्कुल नहीं हुई हैं। रियायतें दे दी गई हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन हट गया है। बेवजह घर से बाहर बिल्कुल किसी को नहीं निकलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, सभी लोग जुटे हुए हैं आमजन की सेवा में फिलहाल। और ऐसे में आमजन की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि बिल्कुल तमाम रियायतों का गलत फायदा ना उठाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। कोरोना के मरीज जल्दी रिकवर हो रहे हैं राजस्थान में, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि चुनौतियां कम हो गई हैं, क्योंकि चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर जिले से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार आपको तमाम अपडेट हम दे रहे हैं, हर जिले से तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। लगातार जो कोरोना का संक्रमण है बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है। तमाम एहतियात के बाद भी ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात यहां पर हो जाती है। कल ही राजस्थान सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई लॉकडाउन 4.0 को लेकर, और इसमें तमाम रियायतें दी गई हैं। सभी दुकानों को खोल दिया गया है शाम 6 बजे तक के लिए। ऐसे में एक बहुत ही राहत की बात ये हो जाती है कि जब भी लॉकडाउन चल रहा था ऐसे में तमाम समाज सेवी संगठन जो थे उन्होंने अपनी मदद लोगों तक पहुंचाई, जो जरूरतमंद लोग थे उन तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाई गई।